सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखते हैं, तगड़ी चीज़ें। आज जो है ना दिन तगड़ा है, तो काफ़ी तगड़ी चीज़ें देखेंगे। इन इक्वेशन का बहुत ही ईजी है, तगड़ा नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बस देखना है हम लोगों को कि P की वैल्यू ये दे रखी है, एक सेट P दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, और दूसरा सेट दे रखा है Q, और वेयर R इज रियल नंबर सबको पता है, और I कौन है इंटीजर्स है। तो रिप्रेजेंट P एंड Q ऑन टू डिफरेंट नंबर लाइन। P को रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन पर, और क्यू को भी रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। बस खासियत क्या है कि इसका जो एक्स होगा दैट इज बिलोंग्स टू R, R का मतलब रियल नंबर, और यहां पर जो x होगा दैट इज बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहली बात तो यहां तक का काम कंप्लीट करते हैं, आगे का काम ऊपर वाले पे भी नहीं छोड़ेंगे, हम ही लोग करेंगे, ऊपर वाले पे कैसे छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए तो बच्चों पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं यहां पर। तो हेयर P इज इक्वल कितना दे रखा है, P इज इक्वल सेट बिल्डर फॉर्म में कितना दे रखा है, x सच दैट 5 लेस देन 2x माइनस 1, 5 लेस देन 2x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल 11। ठीक है, और x जो होगा वो कैसा होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, अब आओ जल्दी जल्दी, जिन लोगों को आता है मैंने जैसे कि बताया वो स्पीड में देखें थोड़ा। तो नाउ नाउ सबसे पहले यहां पर जो अरेंजमेंट पहले इन इक्वेशन क्रिएट हो रही वो क्या होगी, 5 इज लेस देन 2x माइनस 1 हो गया, एंड दूसरा क्या हो गया, दूसरा वाला ये वाला, पहला तो क्रिएट हो ही गया, दूसरा वाला ये वाला कितना हुआ 2x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल 11। बहुत जल्दबाजी में करना है, एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, 1 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल टारगेट ये है कि किसी तरीके से वेरिएबल हमारे पास सिंगल होना चाहिए एक तरफ इन इक्वेशन के। तो इधर माइनस 1 है तो इस साइड इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 5 प्लस 1 इज लेस देन 2x। ठीक है, दिस इंप्लाइज जरूर यहां पर यूज करें, तो 6 इज लेस देन 2x। ठीक है, तो अब केवल वेरिएबल चाहिए हमें, मींस वी हैव टू फाइंड आउट ओनली द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं या डायरेक्ट कर रहे हो तो 6 अगर 2 से डिवाइड किया फील करो, तो यहां भी 2 से डिवाइड करोगे 2x अपॉन 2, सॉरी यहां पर ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, कहां गया इरेजर, ये चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो ये चीज हो गया। अब देखो तो क्या मिला, 2 3 जा 6, तो कैंसिल नहीं करना है, सीधा लिखना है 3 इज लेस देन, और इधर से क्या बचा x, ये हो गया। ठीक है, इधर आओ यहां पे, तो 2x इज लेस देन और इक्वल माइनस 1 को ट्रांसपोज किया तो 12 हो गया। सो x इज लेस देन और इक्वल 6, क्योंकि 2 को डिवाइड किया होगा। ठीक है, ये पार्ट एक तरीके से या तो आप इस चीज को इधर लेकर जाओ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12 अपॉन 2, तब जाके आपको 6 मिलेगा। ठीक है, जनरली हो गया। अब आओ तो पहला केस आपका तैयार हो गया। सो पहला सॉल्यूशन सेट, P का सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, सो P इज इक्वल, पहला सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, या ऐसे सीधे सॉल्यूशन सेट ही तो लिखना है। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट इज, हमें तो रिप्रेजेंटेशन करना है, सीधी सी बात समझ लो, P को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो P के लिए हमारा प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई, P कंप्लीट हो गया हमारा। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट चाहे तो लिख दो, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट P इज इक्वल x सच दैट, अब x कैसा लगेगा देखने में, कि 3 इज लेस देन x, 3 इज लेस देन x, और x इज लेस देन और इक्वल 6, सही है। ठीक, इसकी नंबर लाइन तुरंत बनाओ, इसकी नंबर लाइन तुरंत बनाओ बच्चों, तुरंत बनाओ बिना सोचे, तुरंत नंबर लाइन बना दे इसकी, ये लो नंबर लाइन बन गई। ठीक है, तैयार हो गई बनके, क्या से अब 3, एक चीज ध्यान से समझना कि x इस समय कौन है, रियल नंबर है x, मतलब हमें जो डिजिट चाहिए, जो कैरेक्टर चाहिए, जो नंबर चाहिए वो 3 और 6 तो लेना ही लेना है, तो इधर ले लेते हैं 0, चलो इधर 3 ले लेते हैं, 3 ये ले लिया 3। ठीक है, फिर 4 भले ही ले लो, 5 ले लेते हैं, ये 6 ले लेते हैं। ठीक है, नंबर लाइन देखो ध्यान से, अब वैसे तो ऑरिजिन भी लेनी चाहिए थी, या एक काम करो पूरा का पूरा ही ले लेते हैं, रुको चलो अब 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। ठीक, खुश, चलो 3 इज लेस देन इक्वल एक्स और इक्वल 6। अब पहले यहां पर देखो, 3 इज लेस देन x, 3 लेस देन x का मतलब अगर यहां पर इक्वालिटी नहीं इन्वॉल्व है, दैट मींस वी विल यूज ओनली द होलो सर्किल। यहां पर यूज क्या कर सकते हैं, वो भी किस केस में, जब x कैसा है, यहां पर x इज रियल नंबर, x क्या है हमारा, रियल नंबर है,
अब 3 पर तो लोगे ही लोगे, तो हॉलो सर्किल लगाना होगा, ठीक है। और x क्या है, रियल नंबर। और रियल नंबर होने की वजह से आप, और यहां पर देखो पहली चीज हॉलो और डार्क सर्किल समझ लो, अगर यहां पर इक्वलिटी नहीं है तो हॉलो सर्किल, और यहां पर देखोगे तो इक्वलिटी इन्वॉल्व है, लेस देन और इक्वल लिखा हुआ है 6, x इज लेस देन और इक्वल 6, मतलब डार्क सर्किल लगेगा 6 पे, 6 पर सर्किल कैसा हो गया डार्क। कंप्लीट नहीं सर, अभी नहीं कंप्लीट। अब अगली चीजें सुनो कि x की वैल्यू रियल नंबर है, अगर हम 3 के जस्ट बाद देखें, मान लीजिए 3.4 आया, तो 3.4 इज अ रियल नंबर, मतलब x की वैल्यू होगी, बिल्कुल होगी क्योंकि रियल नंबर है। तो इस वजह से ये लाइन जो है ना, इसको डार्क कर दिया जाएगा, बस ये है समझने वाली बात। p वाला काम कंप्लीट हो गया, सही है, समझ में आ गया होगा। अगला जो q है उसके बारे में सोचते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। मेरा काम लाइन का था तो लाइन मेरा हो गया। क्यू पर आइए, क्यू देखो, क्यू के लिए क्यू इज इक्वल लिखा है x सच दैट माइनस वन इज लेस देन और इक्वल 3 प्लस 4x इज लेस देन 23 वेयर x इज बिलोंग्स टू i, ठीक है। आई इज इंटीजर, सबको पता होना चाहिए, यहां पर जो x था वो अपना रियल नंबर था। आइए इसके बारे में देखते हैं, इसके लिए क्या है हेयर। तो हमें सबसे पहले तो ये दोनों मिल गए, ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। हेयर माइनस वन इज लेस देन और इक्वल 3 प्लस 4x, ठीक है। 3 को ट्रांसपोज किया तो माइनस वन माइनस 3 लेस देन और इक्वल 4x आ गया, ठीक है। अच्छा ये किधर है, ये किधर, ये वाला भी तो लिख लो, ये वाला हो गया, अब ये वाला लिख लेते हैं, एंड 3 प्लस 4x इज लेस देन 23, ठीक है। चलो तो रिजल्ट क्या आ रहा है, यहां पर आया माइनस 4 इज लेस देन और इक्वल 4x, ठीक है। तो x की वैल्यू हम लोगों को निकालनी निकालनी है, तो x की वैल्यू बच्चों कैसे आ जाएगी, x इज यहां से 4 को डिवाइड कर देते हैं, तो माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 इज लेस देन इक्वल 4x अपॉन 4, तो 4 तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, क्या बचा x, और यहां पर माइनस 1, मतलब माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल x हो गया, ये तो ठीक है। इधर आओ तो 4x इज लेस देन 23 माइनस 3, ठीक है, तो ये मिला क्या, 4x इज लेस देन 20, सो x इज लेस देन 5, ये हो गया, ठीक है। अब आइए रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं, फिर से लाइन ड्रा करेंगे, लाइन ड्रा करिए भाई, लाइन ड्रा करिए, ये रही लाइन, चलो हो गया। यहां पर कौन कौन है, यहां पर है, समझना, यहां पर है माइनस वन, अगर हम सॉल्यूशन सेट इसका बनाएं क्यू का, तो क्यू इज सच दैट, क्यू इज इक्वल एक्स सच दैट, कहां से कहां तक हुआ बेटा, माइनस वन से लेके माइनस वन, सबसे पहले लोअर नंबर लेना है, सबसे पहले लोअर चाहिए, लोअर का मतलब माइनस वन इज लेस देन और इक्वल एक्स इज लेस देन 5, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस वन यहां पर लेना पड़ेगा हम लोग, माइनस वन से शुरू करें, माइनस वन इधर ले लेते हैं, फिर जीरो ले लेते हैं, फिर टू ले लेते हैं, सॉरी वन ले देते हैं, बच्चे आ गए हैं, पेपर ख़त्म हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। बट ध्यान रखना x इज इंटीजर, यहाँ पे x क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो माइनस वन टू फाइव लेना है, अब माइनस वन कहाँ है, अगर हम देखें तो माइनस वन ये रहा, अब माइनस वन पर क्या इक्वलिटी है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है बट फिर भी चलो ठीक है, माइनस वन पर क्या इक्वलिटी है, तो डार्क सर्किल, चलो डार्क सर्किल लगा लो, ठीक है। और फिर फाइव, फाइव कहाँ है सर, फाइव यहाँ पर है, तो यहाँ पर हॉलो सर्किल लगेगा, ठीक है। अब हॉलो सर्किल या डार्क सर्किल लगाने का जो मैटर है, यहाँ पर फाइव पर हम सबको पता है यहाँ पर कैसा है, हॉलो सर्किल है, बट इस समय जब हॉलो सर्किल है तो मतलब x की वैल्यू फाइव नहीं है, फाइव से कम है, तो और वो भी इंटीजर चाहिए, तो इंटीजर में क्या क्या आ गया, जीरो आया, वन आ गया, यहाँ पर देखो सब डार्क सर्किल, टू आया, थ्री आएगा, फोर आएगा, बट फाइव पे नहीं हो सकता, फाइव पे डार्क सर्किल नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो x की वैल्यू फाइव नहीं है, लेस देन फाइव होगी, बट अब यहां पर x इंटीजर था, सबको पता है, ठीक है, x क्या था, इंटीजर था। अब इस कंडीशन में आपको बताना था p and q are two different number line, write down the elements of p intersection q, अब ये था p को represent कर रहा था और ये q को, तो p intersection q का मतलब जो common हो इन दोनों में, तो बच्चों 3 तो common है नहीं, केवल और केवल सिवाय 4 के, 4 ही एक ऐसा है जो common है,
फाइव नहीं होगा क्योंकि फाइव यहां पर तो है ही नहीं, x की वैल्यू यहां पर फाइव नहीं है बट ऊपर है, नीचे सिक्स तो है ही नहीं, तो केवल और केवल क्या कॉमन है फोर। तो इस तरीके से आपको करना था ये वाला क्वेश्चन।